हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। आशा करते हैं कि आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियोस देख चुके हो एंड होपफुली यू आर लाइकिंग द वीडियोस। एंड आज का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। एंड हेडिंग से भी आप ऑलरेडी आप गेस कर चुके हो कि क्या डिस्कस होने वाला है। आज का जो टॉपिक है दैट इज योर 8mm SS वायर रो। सो जब भी आप एक लाइफलाइन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपने साइट पे, तो बहुत सारा रोप का कंस्ट्रक्शन है कि ये जो आपका ट्विस्टिंग होता है, तो ट्विस्ट करके हम लोग जो 8mm रोप बनाते हो तो डायरेक्टली नहीं आता है, बहुत सारा स्ट्रंस रहता है। सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप्स। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप अपना लाइफलाइन सिस्टम जब इंस्टॉल करेंगे तो कोई भी सेलर आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप्स कैन ऑफर यू, बट हाउ विल यू सिलेक्ट एंड व्हाई विल यू सिलेक्ट, ये इसके ऊपर आज एक छोटा डिस्कशन है एंड बहुत क्रिस्प डिस्कशन होगा। सो बेसिकली हम लोग जब भी कहीं पे कोट करते हैं, हम लोग 7x7 बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1x19 बोलते हैं। तो 1x19 इज बेसिकली बहुत हार्ड रोप होता है, बिकॉज ये 1x19 क्या होता है कि वन रोप इन ईच स्ट्रैंड एंड 19 स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू 1x19 एंड अनदर इज 7x7। 7x7 में क्या होता है कि 7 रोप्स इन वन स्ट्रैंड एंड that is 7 times, means 7 into 7, 49 strands will be there in a 7x7 rope. As well as another rope is there, that is 7x19. उसमें क्या है कि 7 strands है और हर एक 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 strands में 19 ropes है, तो 7 into 19 करके आपका आता है 7x19 एंड उसमें 133 ropes रहता है, means wires रहता है जिससे वो rope तैयार होता है, तो 133 wires रहता है। Now the question is कि मेरे पास एक short piece of wire है कि हम इसको 7x7 ही लाए हैं आप लोगों के लिए जस्ट दिखाने के लिए। नाउ द डिस्कशन कम्स अप कि व्हाई विल यू चूज 7x7 एंड नॉट 7x19। एंड दोनों रोप आपका एसएस होगा फॉर द लाइफलाइन सिस्टम, 316 हो सकता है, 316L हो सकता है, एज वेल एज 304 भी हो सकता है, बट द क्वेश्चन ऑफ इज दिस कंस्ट्रक्शन। तो 7x7 में जैसे आपको मैंने बताया कि 7 स्ट्रैंड्स एंड ईच स्ट्रैंड विल कंटेन 7 रोप्स, मीन 7x7 49 रोप्स रहेगा। एंड 7x19 में क्या होगा, 7 रोप्स रहेगा, 7 स्ट्रैंड्स रहेगा, मगर एक एक स्ट्रैंड में 19 वायर्स रहेगा। दैट्स व्हाई इट विल कम टू योर 7x19, दैट इज 133 वायर्स इन 1 8mm रोप। सो क्या होता है डिफरेंस कि ये जितना आपका हार्डनेस है वो ज्यादा और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, 7x19 विल बी मच मोर फ्लेक्सिबल। एंड उसका क्या होगा कि आई विल शो यू इन द क्लोजली कि ये कैसे दिखता है, हम इसको खोल के भी दिखाएंगे। तो इसका जो एक एक रेशा है, जिसको एक एक वायर जिससे ये बना है, वो बहुत पतला होगा। तो फॉर लाइफलाइन सिस्टम हमको उतना फ्लेक्सिबल रोप्स की जरूरत नहीं है। 7x19 हमारा मेनली रिक्वायर होता है कहाँ पे, जहां पे विंच या फिर रिट्रैक्टेबल ब्लॉक या फिर गाड़ी के सामने जो विंच रहता है पुलिंग करने के लिए यूज होता है, उसमें चाहिए, क्योंकि उसमें वायर को बार बार रोटेट करना पड़ता है। सी इफ आई ट्राई टू डू दिस लाइक दिस, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इतना बेंड के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। तो इस जगह पे अगर 7x19 होता तो मेरे लिए बहुत इजी होता इसको रोटेट करना, बट मेरा पर्पस इसको बार बार रोटेट करना नहीं है। मेरा लाइफलाइन सिस्टम एक बार इंस्टॉल होगा, एक बार 90 डिग्री में रोटेट हो सकता है कॉर्नर यूनिट पे, ज्यादातर ये स्ट्रेट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर आप 7x19 यूज करेंगे तो इसका ये जो आपका एक एक रोप्स का जो स्ट्रैंड है बहुत पतला है, तो ग्लाइडर जब इसके ऊपर से जाएगा तो पहला जो पॉइंट है कि जितना भी वारंटी है कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वो सबसे पहले वो अफेक्ट करेगा। एंड अफेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो अगर एक भी रेशा कट गया, दैट मींस योर रोप लाइफ इज गोइंग डाउन। सो दैट इज वन वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द सेम टाइम इसका जो वेट है 7x19 इज मच मोर लाइटर देन 7x7 एंड सिमिलरली 1x19 से 7x7 भी लाइट है। तो लाइट है मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो। तो बहुत सारा जगह पे कस्टमर को हम लोग कोट किए जाते हैं हमारे जैसे सेलर लोग कि 7x19 रोप आप ले लीजिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है बट फ्लेक्सिबल है। बट एट द सेम टाइम इफ यू गो बाय द सेफ्टी नॉर्म्स एज वेल एज वेट एज वेल एज अदर यूज की पर्पस क्या है रोप का, तो यू विल फाइंड 7x7 इज रिकमेंडेड फॉर लाइफलाइन सिस्टम एंड 7x19 इज रिकमेंडेड मोस्टली रिकमेंडेड फॉर विंच एयरक्राफ्ट टोइंग एंड ऑल अदर टाइप ऑफ purpose where the rope is need to be twist many times।
एंड मल्टीपल टाइम। जैसे विंच में क्या होता है, आपका एक बार रोटेट होगा, एक बार डिसमेंटल होगा, फिर से रोटेट होगा, फिर रिलीज होगा। वहाँ लाइफलाइन सिस्टम तो वन टाइम इंस्टॉलेशन है, एक बार इंस्टॉल हो गया तो इट विल स्टे लाइक दैट। तो वहां पे हम लोगों को इतना इज फाइन, इससे ज्यादा सॉफ्ट हुआ तो दिक्कत है। और भी एक दिक्कत है, जो जब आप लाइफलाइन इंस्टॉल करेंगे तब एक दिक्कत है कि हम लोग एक एक इंटरमीडिएट के बीच में 10 मीटर्स रखते हैं, कहीं कहीं पे 12 मीटर्स रखते हैं। तो ये जो गैप है, ज्यादा सॉफ्ट रोप हुआ तो रोप आपका सैगिंग दिखेगा, ऐसे सैग होगा। आप कितना टेंशन दीजिएगा, इट विल शो लाइक दिस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसका भी एक सेल्फ वेट है। तो अगर ये हार्ड होगा तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा स्ट्रेट रहता है। तो बाय दैट ऑल्सो इट इज बेटर टू यूज 7x7। तो गाइस चलिए मैं उसको अभी ओपन करता हूँ, एंड ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्लोजली कि ये 7x7 आपका कैसा दिखता है। एंड आप ही खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए 7x7 बेहतर है कि आपका 7x19 बेहतर है। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो रोप है ये आपका 7x7 है। आपका स्क्रीन में भी आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो कि 7x7 कैसा कंस्ट्रक्शन है एंड 7x19 कैसा है। तो ये आपका 7x7 रोप है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा ट्विस्टिंग को अनट्विस्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझा सकूँ। यदि आप लोगों के लिए ट्विस्टिंग को खोल दिया, थोड़ा यहाँ पे ट्विस्टेड है, यहाँ पे खोल दिया। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 7 मेनली रोप्स है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो 7 रोप्स है इसके अंदर भी आपका एक एक में आपका 7 रोप्स है। 7 रोप्स मीन्स 7 वायर्स है। अब देख सकते हो ये बहुत ही पतला है, 1 mm के करीब है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 7x7 में ही एक एक स्ट्रैंड इतना पतला है, तो जब 7x19 होगा तो इतना में आपका 19 वायर्स होगा, इतना में। तो आप समझ सकते हो कि रेशा कितना पतला होगा। एंड सो दैट्स वाई वी रेकमेंड व्हेन द ग्लाइडर विल ट्रैवलर विल ट्रैवल लाइक दिस फॉर मल्टीपल टाइम, तो ये क्या होगा ना, इसके ऊपर में आपका ये जो ग्लॉसिनेस है इसके ऊपर से आपका कट जाएगा। एंड एक बार आपका एक रेशा कट गया तो दैट कैन मेक मेनी प्रॉब्लम्स, दैट कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे कि सपोज आपका लाइफलाइन सिस्टम है मगर फिर भी आपने कोई आपका इंस्टॉलर हाथ दिया या फिर वर्कर हाथ दिया तो उसका हाथ में लग सकता है, कट सकता है, ग्लव्स फट सकता है, एंड अल्टीमेटली आपका रोप का लाइफ भी आपका घट रहा है। अभी वारंटियर इज़ दी मेन प्रॉब्लम। ऊपर से जब हम लोग इसको टेस्टिंग किए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो टेस्ट रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग में भी केन का डिफरेंस है, मतलब किलो न्यूटन जो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस है। आपका 7x19 कंपैरेटिवली 7x7 इज लेसर स्ट्रॉन्ग। सो आप क्यों, जब वन टाइम इंस्टॉलेशन का टाइम आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉस्ट में, जस्ट वेट में थोड़ा 100 kg के करीब डिफरेंट है, दैट्स वाई द कॉस्ट इज ऑल्सो बिट डिफरेंट। बट आपके लिए अगर यू आर चूजिंग योर वायर फॉर लाइफलाइन सिस्टम, वी विल ऑलवेज से गो फॉर 7x7 और 1x19, डोंट गो बाई 7x19। 7x19 इज़ नॉट मेड फॉर लाइफलाइन सिस्टम, वो अलग करंट के लिए बना हुआ है। वो अगर विंच है आपका, रिट्रैक्टेबल है, रिट्रैक्टेबल ब्लॉक में भले 8mm रोप यूज़ नहीं होता है मगर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट इज सेम, कि या फिर आपको कुछ टाई करना है उस हिसाब से आपको वो रोप सही रहेगा। मगर ये आपका लाइफलाइन सिस्टम के लिए 7x7 इज द बेस्ट। सो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड फॉर दी लास्ट वीडियोस जो लाइफलाइन सिस्टम के ऊपर था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एट दी सेम टाइम हमारे वीडियोज को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको और क्या क्या जानना है रिलेटेड टू दिस वायर रोप और लाइफलाइन सिस्टम और एनी अदर इक्विपमेंट्स, तो हम लोग कोशिश करेंगे वो वीडियो भी आपके लिए लेके आने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफिस है।